स्टार प्लस के सीरियल फालतू में रॉकी का सच तो सभी के सामने आ ही गया है कि वो फालतू है, लेकिन साथ ही साथ अयान ने सभी के सामने एक और बात का खुलासा कर दिया है और वो ये कि उसने तनिषा से शादी करने से पहले फालतू की मांग भरी थी। बस फिर क्या, ये बात सुनते के साथ ही घर में सभी लोग दंग रह गए और तनिषा उसका तो ये सुनकर बुरा हाल हो गया है और वो फूट फूट कर रो रही है। लेकिन अयान के पापा इस शादी को मानने से इनकार कर रहे हैं। सच ये है दादी, तनिषा से शादी करने से पहले उस रात मंदिर में मैंने फालतू की मांग में से बोला। इनफ अयान, बहुत हो चुका। मैं तुमसे कहा था कि वो बस एक एक्सीडेंट था, ऐसी शादी की कोई वैल्यू नहीं होती, बस एक वो गलती थी, गलती। ड्रामे में तो अब मुझे अब मतलब पता चल चुका है घर में सभी लोगों को कि फालतू अयान की पहली बीवी है, तो मैं मुझे तो बहुत ज़्यादा नफरत हो चुकी है इससे और मैं इसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती हूँ अब पर इसको देखनी पड़ रही है हाँ तो मुझे बहुत बुरा लग रहा है तनिषा जी के लिए, क्योंकि तनिषा को मैं अपनी जीजी मानती हूँ, बड़ी बहन की तरह, रियल लाइफ में भी और वैसे भी। फिर भी इसको एहसान याद नहीं आया, फिर भी नहीं रोक सकती कि अयान को रुक जाओ, अयान मत करो, शादी मत करो। बोला कितनी बार बोला कि नहीं, मैं ही बाहर से अयान को समझा के लाई होगी ना, नहीं अयान तुम ये बोलना नहीं, 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 नहीं ऐसा नहीं है। तो गाइस आप एपिसोड में देखना, बहुत बहुत खतरनाक ड्रामेटिक मसाला है जो आपको देखने में बहुत मजा आएगा, तो एपिसोड बिल्कुल मिस मत करना। इस ड्रामे पर ब्रेक लगाने के लिए फालतू तनिषा से एक और बात का खुलासा करती है कि उसका इस घर में आने का मकसद अयान के नजदीक आना नहीं बल्कि अपनी बेगुनाही साबित करना था और इस बात पर वो अटल है। और साथ ही साथ वो सभी के सामने तनिषा की मां कनिका से सच कहने की गुजारिश भी करती है ताकि उसके ऊपर लगा दाग हट सके। पर एक बात तो धारी को माननी होगी, धारी गलती, वो भी सबके सामने, ताकि मारे नाम के ऊपर लगा दाग मिट जाए और मैं अकेडमी वापस लौट जाऊं। मारे लिए हमारे सपने से ऊपर और कुछ भी ना है, और वाले को किसी चीज से मतलब भी ना है, बस मारे नाम पर लगा दाग मिटा दो ताकि मैं हमेशा के लिए यहाँ से चली जाऊँ। तो फालतू को अभी भी ये नहीं है कि उसको अयान से शादी करनी है, फालतू का ये है कि बस कनिका इनकी माँ बता दे कि गलत वीडियो थी वो, ताकि फालतू वापस अकेडमी लौट जाए, बट अब अयान उसको जाने नहीं दे रहा, तो बहुत खतरनाक मसाला होने वाला है। अब आप लोग ये देखिए कि फालतू घर में रहती है या नहीं, अगर हम घर वाले सब उसको रहने के लिए परमिशन देने वाले हैं या नहीं, या फालतू अयान एक होंगे या नहीं, उनकी शादी होगी या नहीं, ये सब देखने के लिए आपको देखना पड़ेगा फालतू। भाई फिलहाल तो दोनों के अलग होने की बारी आ गई है, क्योंकि घर में कोई भी सदस्य ये नहीं चाहता कि फालतू इसी घर में रहे। ऐसे में फालतू ने घर छोड़कर जाने का फैसला कर लिया है, लेकिन अयान वो फालतू को रोक लेता है। वैसे फालतू और अयान को ये नहीं पता कि इन सब के पीछे तनिषा की माँ कनिका का नहीं बल्कि खुद तनिषा का ही हाथ है। तुम कहीं नहीं जाओगी फालतू। ये चुड़ैल है, मुझे अभी तक पता नहीं चला है, मैं तो इसको अच्छा समझ रही हूँ। पर मैंने तो मेरा रिश्ता बचाने के लिए किया ना, तो मैं गलत कैसे हूँ? मैं तो अयान को बचाने के लिए मेरी शादी बचाना चाहती हूँ ना, ये चुड़ैल बाद में आई है ना काटूंगी तुझे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय जरूर दें, और ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो जरूर करें। नाम तो आप जानते ही हैं, सास बहू और बेटियां।